वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। एंड आई एम सो सॉरी कि मेरा ब्लॉग जो है वो बहुत टाइम बाद मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि एज यू नो कि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी। सो रूटीन इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है आपकी, आप सब चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं कर पाते हैं। और जी यही, हम यहाँ पर आए थे वलीमे के एक फंक्शन पे जो कि बहुत अच्छा रहा। हम सब ने इतना इन्जॉय किया। यहाँ पे जो फ्लावर अरेंजमेंट थी, सिटिंग अरेंजमेंट थी, डिकोर सब कुछ बहुत खूबसूरत हुआ हुआ था। मैंने इससे पहले किसी भी शादी के फंक्शन में इतनी प्यारी डेकोरेशन नहीं देखी। सो इट वाज सो ब्यूटीफुल और सब कुछ बहुत अच्छा था। और जी खाने में तो इतनी सारा मेन्यू में वैरायटी थी ना, और मेरी फेवरेट आलू बुखारी की चटनी मैंने तो सबसे पहले वही टेस्ट की है। हमें फ्रूट वगैरह का जो प्लेटर था, बच्चों ने तो उसको देख के इतना इन्जॉय किया, उन्हें इतना अट्रैक्ट किया कि वो सब खाना छोड़ के फ्रूट और वेजिटेबल्स पे थे। है जी, मैंने तो सैलेड बहुत इन्जॉय किया, और टी मैं नहीं पीती हूँ, सो इट वॉज नॉट फॉर मी। और बाकी खाना जो था वो बहुत मज़े का था। मैंने तारीफ़ बहुत ज़्यादा सुनी है मटन की कि वह बहुत मज़े का बना हुआ था। आई कुडंट टेस्ट, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें थी ना कि आप सब कुछ खा ही नहीं सके। सो लेकिन मैंने बाद में बहुत मिस किया कि मैंने मटन क्यों नहीं टेस्ट किया। लेकिन मलाई बोटी और बिरयानी और बाकी सब कुछ बहुत मज़े का था। खाना तो हर शादी का आपको पता ही है कि बहुत ही मज़े का होता है, और आपको बाद में काफ़ी टाइम तक जो है ना वो याद आता रहता है। और जहाँ पर जो सबसे यूनिक चीज़ थी वो थी इनका वाइट सॉस और रेड सॉस पास्ता, जो कि लाइव बन रहा था। और बच्चों ने तो जैसे ही देखा ना, उनकी तो बस ईद ही हो गई, क्योंकि उनका तो फेवरेट है और उनको बहुत अच्छा लगा। और डिज़र्ट में जो उन्होंने कुल्फा रखा था ना, इट वॉज़ सो गुड। मैंने तो सारा खाना बहुत इन्जॉय किया, और शादी भी बहुत इन्जॉय की। और ये थे हम जी, और मैंने पहनी थी साड़ी। और इसी के साथ अपने ब्लॉग को करूँगी मैं।